अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज द बेसिकली फिजिक्स के जो लेक्चरशिप की प्रिपरेशन होती है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है, दैट इज द ड्रॉप ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो ड्रॉप ऑब्जेक्ट है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी। ठीक है, तो स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स लेक्चरशिप प्रिपरेशन इज द, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इसमें से FSC के चंद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि जिनमें से मोस्टली जिसमें से PPSC का जिसपे फोकस होता है, उन टॉपिक्स को उठाएंगे, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उससे रिलेटेड MCQs कर लेंगे। सेम इसी तरह हम लोग जो BSC के टॉपिक वाइज रिवीजन है, अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स, अलॉन्ग विद थ्योरी, अलॉन्ग विद डेरिवेशन, अलॉन्ग विद कॉन्स्टेंट एंड यूनिट्स, जो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, हम उनको जो है वो फोकस करेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द MSc इम्पोर्टेंट टॉपिक। MSc पे PPSC का मोस्टली अगर हम पास पेपर एनालिसिस करें तो हमें ये अंदाजा होगा कि MSc पे उनका फोकस बहुत कम रहा है। ऑल्दो कि वो उनके सिलेबस में शामिल हैं, बट स्टिल दे हैव द लेस फोकस ऑन द MSc टॉपिक। सो हम MSc के जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। ज्यादा जो हमारा फोकस होगा, डैट विल बी ऑन FSc एंड BSc जो सिलेबस है उस पर होगा। उसके साथ साथ हम करेंगे सैम्पल क्वेश्चन जो है वो हर टॉपिक के एंड पे आपको स्लाइड जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, या फिर एंड पे आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको जो है वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनका आप आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करेंगे। लेकिन अगर किसी को कोई समझ ना आया तो उसके लिए हम जो है वो डिस्कशन सेशन रख लिया करेंगे। ओके, ऑलराइट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने इसकी तरफ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें से लेते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इट मीन्स कि दैट इज द फॉलिंग फ्रीली, यानी कि हम उसे नीचे से ऊपर नहीं फेंक रहे। एक है कि हम लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंके ये ऑब्जेक्ट, बट नहीं, ये यहाँ पे हमारे पास जस्ट ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है। ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है, दैट इज द जी, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है और इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास आता है 10 m/s². नॉर्मल इसकी जो वैल्यू है वो इसकी ये है। ठीक है, तो ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स में से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा जाता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। एक तो ये क्वेश्चन आता है, सम टाइम एग्जामिनर इसको थोड़ा सा चेंज करता है, वो कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, देन वो इसको वेलोसिटी और हाइट के साथ कंपैरिजन करते हैं, वो ये कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली देन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 4 m, आफ्टर 10 m हाइट, समहाउ वो इस तरीके से बता देता है। देन वो कहते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द हाइट ऑफ द 10 m और 12 m और एनी अदर वैल्यू, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास चार डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं ड्रॉप ऑब्जेक्ट में से। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें से होगा वो हम फाइंड करेंगे जी डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम। ठीक हो गया, तो स्लाइड को, वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एंड पे जो है वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, जिनको आप जब ट्राई करोगे तो आपकी अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो वी आर मूविंग word next, जी तो हमारे पास है जी फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एट एनी टाइम। ठीक है, उसके लिए हमारे पास, आपको पता है कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये दिस इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, आपको पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट इस हाइट पर है, ठीक है, यानी कि वो किसी एक स्पेसिफिक हाइट पर है और वहां से आप उसे थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो जब यहाँ पे वो इनिशियल टाइम पे होगा तो उसकी यहाँ पे जो VI होगी, डेट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल, क्योंकि वो इनिशियल रेस्ट पर है ना, आप उसको इनिशियली 0 से जो है वो थ्रो कर रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग लेंगे, यानी कि S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 g t², तो VI हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ये हमारे पास G है और G हमारे पास आ जाएगा 10,
और जो हम लोग इसको फाइनल इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू 5t2, यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपका जो टाइम ऑब्जेक्ट है दैट एनी ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, और उसका आपने डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है आफ्टर 2 सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड इरिस्पेक्टिव ऑफ मैस, ठीक है, तो आपने उसका सिंपल जो आपके पास फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा जी आपके पास s इज इक्वल टू 5t2। इसको आप लोग बजाय इसके कम्प्लीटली सॉल्व करने के, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए बट हाउ टू सॉल्व ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है क्योंकि आपके पास टाइम की भी कमी होती है, तो दैट इज द एस इज इक्वल टू 5t2, ठीक हो गया, ये आपके पास पहला जो आपके पास था वो हो गया। सेकेंड आपके पास आता है जी वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। मोस्टली एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेते हैं कि इफ द बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग then define the velocity after 10 second, 20 second, somehow कोई भी आपको टाइम दे सकता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज द 0 meter per second, सो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी जो आपने आफ्टर सम टाइम आफ्टर 2 second आफ्टर 5 second आफ्टर 10 second एट एनी टाइम यू हैव टू फाइंड दैट विल बी द vf इज इक्वल टू gt। g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटी है आपकी जो कि आपके पास 10 meter per second square है, और नेक्स्ट जो है वो आपके पास टाइम है जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और आप उससे जो है वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन आता है दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर सम हाइट, वो आपको ये कह देता है कि जी आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, तो आफ्टर 2 meter जो है आप उसकी वेलोसिटी फाइंड करें। तो ये आपको जस्ट वो थोड़ा सा टिल्ट करता है, थोड़ा सा आपको घुमाता है अपने जो उसका मेन जो होता है आपका टॉपिक होता है मेन टॉपिक से थोड़ा सा हटके आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे देते हैं, लेकिन आपने इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज होना क्योंकि आपके बहुत ही सिंपल फार्मूला से जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है जो वेलोसिटी ऑफ सम हाइट, उसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जो कि 2as = vf² - vi², देन आपके पास वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप ऑब्जेक्ट में हमेशा याद रखनी है, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, इफ द बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग एंड इफ यू आर ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट जो आपके पास इक्वेशन बनेगी फाइनल वेलोसिटी की वो बनेगी vf = √2gh। ये आपके पास जो है वो एक फाइनल जो है वो आपके पास टर्म बनेगी जिसमें से आप इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम हाइट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम मूव होते हैं तो वो आपसे पूछता है कि अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज एट द 10 meter हाइट, ठीक है, तो फाइंड इट्स टाइम टू रीच द ग्राउंड, क्योंकि कितने टाइम में ग्राउंड में पहुंचेगा। सो अगेन आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लेनी है vi + 1/2 gt² vi आपके पास 0 है 1/2 gt² ये आपके पास वही है जो कि हमने फर्स्ट केस में s = 1/2 gt² दिया था, बट फर्स्ट में ये था कि आपके पास टाइम गिवन था यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, बट इसमें क्या है कि आपके पास डिस्टेंस गिवन है यू हैव टू फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक हो गया। तो आपने इसी को थोड़ा सा मोल्ड करना है कि आपने 2s / g अंडर रूट करना है, तो आपके पास टाइम जो है कितने टाइम में वो जो है वो पहुंचेगा ग्राउंड पे पहुंचेगा तो आपके पास वो आ जाएगा। लास्ट में आपके पास कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है एंड आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, देन आई विल टेल यू कि आपका राइट आंसर कौन सा है। पहला क्वेश्चन है जी, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड इज, सर्टेन हाइट आपको गिवन है, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर 10 सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है जी व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द 2 सेकंड्स, ठीक है, कि आपका बॉडी जो है अगर वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। थर्ड क्वेश्चन इज द एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग, फाइंड द टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ द 20 meter, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉलिंग है, आपने टाइम फाइंड करना है। आपने केसेस देख लेने, मैंने आपको 4 different cases करवाए और उन्हीं 4 cases में से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, और ये मोस्टली वो क्वेश्चन है जो आपके पास पेपर्स में आते हैं, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज के साथ आते हैं। अगर आप पास पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आपको अंदाजा होगा कि आपके इस सेक्शन में से एटलीस्ट 2 or 3 questions जो है वो मस्ट हर साल देता है, ठीक है। अ बॉल इज फॉलिंग फ्रीली, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस आफ्टर 20 meter, आपने फाइंड क्या करना है कि आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है जब वो डिस्टेंस कवर कर लेगा 20 meter का, तो आपने जो है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। दीज आर द 4 questions, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको कितना समझ आया है इसमें से, और इससे अंदाजा भी हो जाएगा आपको इस सैंपल क्वेश्चन से कि आपको जो है ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं हुआ।
कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछिएगा, और फर्दर जो है वो टॉपिक्स के लिए आप इन टच रहिएगा. विश यू बेस्ट ऑफ लक.